हेलो एवरीवन, तुहाडा सारिया का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरुजी ते। दोस्तों, अज की वीडियो आपां करांगे जियोग्राफी के इंपोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट सैकेंड। इस तो पहला इसका पार्ट फस्ट है जिहड़ा अपलोड हो चुका है। जेकर किसी ने वो पार्ट नहीं वेख्या तो अज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उनका लिंक है जिहड़ा असीं दे देवांगे, उत्थों जाके तुसीं जियोग्राफी के इंपोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट फस्ट वेख सकते हो। एक गल होर, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक करियो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अज दी वीडियो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। डेल्टाई वना विच मिलन वाला रुख है जिहड़ा केड़ा हैगा है? डेल्टाई वना विच मिलन वाला रुख हैगा है जी सुंदरी। ऑप्शन सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। काली मिट्टी किस उपज लई उत्तम मनी जाती है? काली मिट्टी किस उपज लई उत्तम मनी जाती है? यह मनी जाती है जी कपाह दे। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, कपाह। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। किस मिट्टी विच लोहे अते एलमीनियम की मात्रा ज़्यादा होंगी है? हाँ जी, किस मिट्टी विच लोहे अते अलमीनियम की मात्रा ज़्यादा होंगी है? यह होंगी है जी लेटराइट मिट्टी विच। ऑप्शन बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं। भारत विच पहली बार वन नीति जी राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कदों की गई सी? भारत विच पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कदों की गई सी? यह की गई सी जी 1951। 1951 भारत विच जी राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई सी। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, भारत विच प्रति व्यक्ति वन खेत्र कितना हैगा? भारत विच प्रति व्यक्ति वन खेत्र कितना हैगा? यह हैगा जी 0.14 हेक्टेयर। 0.14 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा फस्ट ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, किस केंद्र शासित प्रदेश विच सब तो वध वन खेत्र है? किस केंद्र शासित प्रदेश विच सब तो वध वन खेत्र? यह हैगा जी अंडेमान ते निकोबार द्वीप समूह। अंडेमान ते निकोबार द्वीप समूह विच सब तो वध वन खेत्र है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हेठ लिखे केंद्र शासित प्रदेश विच सब तो घट वन खेत्र कित्थे है? तो सब तो जिहड़ा घट वन खेत्र है वह हैगा जी दिल्ली विच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, थण तारियां विच राजसी ठाठ वाला शाकाहारी पशु किस नू मनिया जाता है? थण तारियां विच राजसी ठाठ वाला शाकाहारी पशु किस नू मनिया जाता है? तो यह मनिया जाता है जी हाथी। ऑप्शन बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, हाथी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, भारत विच एक सींग वाला गेंडा कित्थे मिलता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा, भारत विच एक सींग वाला गेंडा जिहड़ा कित्थे मिलता है? तो इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, असाम अते पश्चिम बंगाल विच। जिहड़ा एक सींग वाला गेंडा मिलता जी वो मिलता जी असाम अते पश्चिम बंगाल विच। असाम विच एक पार्क हैगा एक सींग वाले गेंडे लई जिहड़ा मशहूर हैगा, वो हैगा जी काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा, भारत विच पहला वन रिजर्व खेत्र कित्थे बनाया गया? सॉरी, कदों बनाया गया? भारत विच पहला वन रिजर्व खेत्र कदों बनाया गया? तो यह बनाया गया सी 1986। 1986 ईस्वी विच भारत विच पहला वन रिजर्व खेत्र बनाया गया सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, इतों एक क्वेश्चन होर बन सकता है, थोड़े को पूछ लिया सकता है जिमें कि भारत में पहली बार वन नीति का ऐलान कदों किया गया, ये भी पूछ सकता है। तो यह किया गया जी 1951, 1951 भारत में पहली वन नीति का ऐलान जिहड़ा किया गया सी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन हैगा आजाद भारत की सब तो पहली बहु विदेशी नदी घाटी परियोजना केड़ी सी। आजाद भारत की सब तो पहली बहु विदेशी नदी घाटी परियोजना केड़ी हैगी है, तो वह हैगी है जी दमोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। आजाद भारत की सब तो पहली बहु विदेशी नदी घाटी परियोजना केड़ी हैगी है, दमोदर नदी घाटी परियोजना। नैक्सट क्वेश्चन हैगा संसार का सब तो उच्चा गुरुत्वी बन केड़ा हैगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा। संसार का सब तो उच्चा गुरुत्वी बन जिहड़ा केड़ा हैगा, तो यह हैगा जी भाखड़ा, भाखड़ा बन, ऑप्शन ए है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, हीराकुंड बन बनया है, हीराकुंड बन है जिहड़ा कित्थे बनया है, तो यह बनया है जी उड़ीसा विच महानदी ते, उड़ीसा विच महानदी ते जिहड़ा ये बन है जिहड़ा बनया होया है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन हैगा कोसी नदी परियोजना कित्थे स्थित है, कोसी नदी परियोजना कित्थे स्थित है, तो कोसी नदी परियोजना स्थित है जी बिहार में, कोसी नदी परियोजना बिहार में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का फस्ट ऑप्शन जो अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट है भारत की सब तो वड्डी मनुख द्वारा निर्मित झील जिहदा नाम है जी गोविंद वल्लभ पत सागर झील, किस नदी परियोजना में है, तो भारत की सब तो वड्डी मनुख द्वारा जी निर्मित झील हैगी है वो हैगी है जी रिहंद ते, रिहंद परियोजना में स्थित हैगी है, ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा रिहंद परियोजना कित्थे स्थित है, रिहंद परियोजना जिहड़ी कित्थे स्थित हैगी है, तो यह हैगी है जी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नैक्सट क्वेश्चन हैगा भारत ने चुखा पन बिजली परियोजना नूं किस देश विच बनाया, भारत ने चुखा पन बिजली परियोजना नूं किस देश विच जिहड़ा बनाया सी, तो इहदा करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फस्ट भूटान विच, ऑप्शन फस्ट जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा भूटान। नैक्सट क्वेश्चन हैगा भाखड़ा बन दे पिछे बनी झील कैड़ी हैगी है, भाखड़ा बन दे पिछे बनी झील कैड़ी हैगी है, तो यह हैगी जी गोविंद सागर, ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना इस क्वेश्चन का करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन हैगा भारत के मुख कपाह उत्पादक राज कैड़े हैं, भारत के मुख कपाह उत्पादक राज कैड़े हैं, तो वह हैं जी गुजरात ते महाराष्ट्र, ऑप्शन फस्ट जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा गुजरात ते महाराष्ट्र। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है भारत का कुल खेत्रफल कितना है, भारत का कुल खेत्रफल कितना है जी, तो वह हैगा जी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। पंजाब का कुल शुद्ध बीजा गया खेत्र है, पंजाब का कुल शुद्ध बीजा गया खेत्र कितना हैगा जी, तो वह हैगा जी 82.2%, ऑप्शन डी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा 82.2%। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा भारत की सब तो महत्वपूर्ण खाद अन्न फसल जिहड़ी केड़ी हैगी, भारत की सब तो महत्वपूर्ण खाद अन्न फसल केड़ी हैगी है,
ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਚੋਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਦ ਅੰਨ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਦ ਅੰਨ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਣਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਾਪਾਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਰਕ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਝਾਰਖੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂਬਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਝਾਰਖੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਇਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਅਸਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।